Good morning, students. Welcome to online political science class. And let's start the lecture. Okay. So we have done about two movements, Tipu movement and NTRA movement. Okay. From chapter 7, that is rise of popular movement. Today we are going to other movement. Okay. That is Bharatiya Kishan Union. That is Bharatiya Kishan Union, BKU, that started in early 1980s. Now, dekho. किसान्स जो है या फिर फार्मर्स जो है वो हमारे देश की जान है. जैसे कि फार्मर्स हमारे देश की जान है, किसान्स हमारे देश की जान है. क्यों? क्योंकि दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर द पीपल हु आर प्रोड्यूसर्स. ठीक है, वो हमारे लिए खेती करते हैं, वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, वो हमारे लिए धान उगाते हैं, हमारे लिए चावल बनाते हैं. वी गेट ऑल दिस थिंग्स, ओके, मेनी थिंग्स वी गेट टू ईट बिकॉज ऑफ दैट. ओके, तो वो हमारे लिए हमारे देश की जान है. ठीक है, सो फार्मर्स आर अ बिग बूस्ट फॉर द कंट्री. और बिकॉज इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ऑल द फार्मर्स, ऑल द किसान शुड बी इन ए वेल टू डू पोजिशन. ठीक है, तो दिस भारतीय किसान यूनियन जो एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, एक मूवमेंट हुआ था एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ड्यूरिंग 1980s. ओके, 1988 में मेनी ऑफ द फार्मर्स दे हैव गैदर्ड टुगेदर. एक जगह पे वो लोग गैदर्ड हुए, एक जगह पे वो लोग इकट्ठे हुए हुए, एंड दैट एरिया इज मेरठ. ओके, मेरठ यूपी, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ, उस जगह पे वो लोग गैदर्ड हुए थे. और उनका जो लीडर थे, दैट इज महेंद्र सिंह टाइकेट. ओके, उनके अंडर में ये एक मूवमेंट हुआ था. सो किसान जो थे उन्होंने, क्योंकि उनका जो दे आर नॉट दैट मच वेल टू डू, बहुत सारे जगह पे बहुत सारे किसान जो है इंडिया में, दे आर नॉट टू इन द वेल टू डू पोजिशंस. और इनका बहुत सारा डिमांड्स आ गया था उस टाइम में, क्योंकि इंडिया वॉज गोइंग टुवर्ड्स द लिबरलाइजेशन पॉलिसी एट दैट टाइम. ओके, इंडिया इज प्लानिंग टू अडॉप्ट ए लिबरलाइजेशन पॉलिसी. बहुत सारे जगह पे रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है, बहुत सारे जगह पे फिर क्या क्या उन्होंने, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, इंडिया जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ कोऑप करना शुरू किया इंडिया ने. और बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनका बहुत सारा रिजनेबल रेट में जो लोग मंडी में बेचते थे, ये सब कुछ में उनका प्रॉब्लम होने लगा है उनको. ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा चीज़ डिफेक्ट दिखाई दिया है उस टाइम में, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारा चीज़ को इशू कर दिया था उस टाइम में. सो उन्होंने क्या कि पर्टिकुलरली थोड़ा सा डिमांड लेके वो लोग खड़े हो गए 1980s के दौरान. एंड सम ऑफ द थिंग्स दैट दे हैव स्टार्टेड अप इज आर दी, ये क्या था देखो, हायर गवर्नमेंट प्राइसेस फॉर शुगर केन एंड वीट. ओके, शुगर केन और वीट जो प्रोडक्शन है उनके लिए उनको गवर्नमेंट जो हायर प्राइस उनको चाहिए था, क्योंकि इंडिया में वीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था ना, शुगर केन भी बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में प्रोडक्शन, और यूपी से उस साइड में तो बहुत ज़्यादा ही होता है सब कुछ. तो बिकॉज ऑफ दिस उनको चाहिए था कि गवर्नमेंट तरफ से उनको हायर प्राइस बैठाया जाए, सो दैट व्हेन दे गो एंड सेल देयर थिंग्स इन द मार्केट इट विल गो ऑन अ वेरी हाई रेट. उनका प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा तो उनका रेट भी अच्छा निकलेगा, और गवर्नमेंट को चाहिए उनका रेट बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए. तो उनका ये एक डिमांड था. ठीक है, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट ट्रेड. इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रेड करेंगे लोग, उनका कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा. ओके, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन, एक उनको एक कस्टम ड्यूटी एक दरा देना पड़ता था उनको. तो दिस थिंग्स शुड नॉट बी देयर. ओके, रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ भी नहीं करेंगे, फ्रीली दे कैन गो एंड दे कैन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट देयर थिंग्स इन विद इन द स्टेट्स. ठीक है, तो उनका ये एक डिमांड था. उसके बाद ग्रांटेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रिजनेबल रेट्स. इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि किसान के लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है ना, उनका अगर कैनल सिस्टम से अगर पंपिंग करके उनको अगर पानी देना है तो भी उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. उनको अगर राइस मिल, ये सब मिल जो होता है, सबके लिए भी उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है. तो किसान के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है. तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है उनको कमाने के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, बिकॉज उनका जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है वो इतना ज़्यादा होगा तो किसान लोग जो है वो उसका जो रेट है उसका जो पेमेंट है ना, उसका मंथली जो होता है, तो वो दे नहीं पाएंगे उनका. तो इसका कारण उन्होंने क्या किया, उनका वेट कमाने के लिए उन्होंने डिमांड किया है उनका. ठीक है, ये एक है. और एक देखो लिखा उन्होंने, गवर्नमेंट पेंशन फॉर फार्मर्स. उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट सबके लिए स्कीम निकल के आ रहा है, तो फार्मर्स के लिए भी एक स्कीम होना चाहिए, पेंशन का एक स्कीम, क्योंकि फार्मर्स के लिए तो कुछ नहीं होता ना. जैसे कि इंडिया में क्या होता है, सीजनल होता है, फार्मर्स का जो फार्मिंग है ये सीजनल होता है,
वो लोग मानसून सीजन में वो लोग फार्मिंग करते हैं बेसिकली। फार्मर्स जो लोग होते हैं जो राइस प्रोडक्शन करते हैं, वीट प्रोडक्शन, ये सब जो करते हैं, दे ओनली फार्म फार्म इन रेनी सीजन, मानसून सीजन में लोग करते हैं। जब फिर जब जब सूखे टाइम होते हैं विंटर सीजन में, उस टाइम में उनका तो कुछ नहीं होता है, दो तीन चार महीने वो लोग दे जस्ट रिमेन लाइक दैट। तो उन्होंने इसलिए डिमांड किया उनका एक पेंशन होना चाहिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो अर्न देयर लिविंग टुवर्ड्स, दे कैन मेंटेन देयर फैमिली विद दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंशन। ठीक है, तो ये जो BKU है, इट हैज एराइज इन अ बिग वास्ट रैली। उन्होंने रैली किया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, बहुत सारे लोग मेरठ से लेके लोग दिल्ली तक चले गए, दिल्ली तक उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, उन्होंने प्रोसेशन किया, उन्होंने डिमांड किया है। और फास्ट में देखा गया कि यूपी से स्टार्ट हुआ, उसके बाद देखा गया कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जगह से किसान लोग एक साथ इकट्ठे हो गए और दे हैव गदर्ड ए बिग मोमेंटम। ओके, बहुत सारा मूवमेंट उन्होंने एक साथ उन्होंने करना शुरू किया और दे हैव ऑल्सो प्रेशराइज द गवर्नमेंट। और इसमें देखा गया बहुत सारे पोलिटिकल पार्टीज ऑल्सो केम एंड इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। ओके, तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट जैसे पोलिटिकल पार्टीज आते हैं, तो इस तरह से किसान मूवमेंट में भी पोलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हुए हैं। होने के बाद दे हैव ऑल्सो ट्राई टू गो विद दिस मूवमेंट। और ये भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो चीज़ें एक्सेप्ट कर लिया, उनका बहुत सारा डिमांड जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और भारतीय किसान यूनियन बिकेम ए बिग सक्सेस। ठीक है, तो क्योंकि हमारे लिए फार्मर्स जरूरी है, इसके लिए गवर्नमेंट ने भी इनका बहुत सारा चीज़ डिमांड को मान लिया है। टाइम टू टाइम देखा गया कि ये जो किसान मूवमेंट है ये बहुत सारा होता है इंडिया में, एंड दे गो विद देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड, सो दैट उनका डिमांड अगर सक्सेसफुल होगा तो ही हमारा हमको खाने को मिलेगा। ओके, बिकॉज वी डोंट गो फॉर प्रोडक्शन, वी आर सम ऑफ द पीपल, वी डोंट गो फॉर प्रोडक्शन, तो हमें खाने को कैसे मिलेगा? अगर इफ दे आर सेटिस्फाइड देन ओनली वी कैन हैव द फूड इन आवर स्टमक। ओके, बेसिकली तो देखा जाता है किसान यूनियन जो है वो सक्सेसफुल हुआ है इंडिया में अब तक। ओके, अभी भी गवर्नमेंट बहुत सारे चीज़ को डिमांड को मानने को चला है, अभी भी बहुत सारा चीज़ करते जा रहा है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट भारतीय किसान यूनियन जो स्टार्ट हुआ था 1980s के दौरान इन मेरठ। ओके, मेरठ डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में गिरता है, उसके बाद इट केम इन टू ए बिग बिग टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, बिग टाइप ऑफ मूवमेंट इन होल ओवर ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट भारतीय किसान यूनियन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।